क्या सिर के पास आ गया ना। अभी जैको भी बैठी हुई थी यहाँ पर, सी दुम के साथ खेल रही थी, और ये देखें ये भी बैठी हुई है अभी यहाँ पे। अभी जैको भी आ गई, जैको इसको तो देखें कैसे बैठी हुई, इसके पास कहीं चला ना जाए। वैसे इनसे पकड़े नहीं जाता, हमने एक कड़की लगा के पकड़ा है, इनसे तो पकड़े ही नहीं जाता, देखती रहेंगी आते जाते, वो पकड़ती नहीं है ये। बस इन्होंने खाना और सोना है बस, और कुछ भी नहीं। ये देखें जैको भी आ गई है, जैको पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, जिंदा है, इसको पकड़ना, इसको पकड़ो, ये जिंदा है। हाय हाय डर गई डर गई डर गई एकदम। क्या हुआ? अब इसको बाहर जाके ना हम छोड़ के आते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे ना हमारे कपड़े वगैरह खा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी सूरज भी नहीं निकला, तो इतना दिन नहीं अभी चढ़ा है, तो मैंने सोचा कि मैं सारे जानवरों को खोल दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना हमारी बहुत शोर कर रही थी। मैं नीचे से ऊपर आया, मैंने देखा अंडा वगैरह भी किसी ने नहीं दिया, थोड़ी देर बाद देंगी अंडा, ये अंडा तकरीबन 11 या 12 बजे के टाइम अंडा देती हैं। मैंने सोचा इनको खोल के ना अभी सुबह के टाइम दाना डाल देता हूँ, फिर शाम को जो है ना इनको मैं लूसन डाल दूँगा, क्योंकि लूसन जो है ना इससे मिलता नहीं है, थोड़ा सा मैल में पड़ा हुआ कलर ला सूखा सूख गया, तो वो डाल देता हूँ। अभी मैं पहले इनको खोलता हूँ, सबको पानी रखा हुआ है यहाँ पे इनके लिए, और फिर इनको मैं दाना डाल दूँगा। इसकी शोर करेंगे इतना, ये मुर्गियों को खोल देते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से डक्स को भी खोल देते हैं। यहाँ पर बाहर यहाँ भी मुर्गियाँ भी बाहर आ, अब उसको रास्ता ही नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आना। अभी जाना मैं जाके खरगोशों को खोलता हूँ, क्योंकि खरगोशों के बच्चों को मैं नहीं खोलता, क्योंकि पूरा दिन ही खुले रहते हैं, इसलिए जो है ना खाली खरगोशों को खोलूँगा, बच्चों को नहीं मैं खोलता, ये काबू नहीं आते। ये देखिए सारे बाहर बैठे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह हम बाहर निकले, लेकिन बच्चों को नहीं बाहर आने देना, बस ये बड़े खरगोशों को बाहर निकाल। कितने बड़े बड़े हो गए, भाग गए अंदर, वो बड़े वाले खरगोश को निकालना अंदर से, ये बैठा हुआ है अंदर, देखते हैं कोई नेस्टिंग वगैरह तो नहीं की हुई, नहीं की हुई। ये बड़े वाले खरगोश को निकालते हैं हम बाहर, और फिर इनको जो लूसन का बड़ा हुआ ना कल वाला वो डालते हैं, और मुर्गियों को रोटियां भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं साथ में। इसको ना डंडे से बाहर निकालना पड़ता है, बाहर ही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। फिर आ गए यहाँ पे, इसकी वजह से सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर वो काबू नहीं आते हमारे, पकड़ना उनको मुश्किल हो जाता है, देखिए वो सारे छुप गए अंदर। इसको मैंने बाहर निकालना है किसी तरह, कैमरा बंद करता हूँ, फिर मैं इसको ना बाहर निकालता हूँ, ऐसे बाहर नहीं आएगा ये। बड़े वाले खरगोश को मैंने बाहर निकाल दिए, बच्चे इसके सारे अंदर ही हैं अभी, और इनको लूसन डाल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं इनका। ये देखिए लूसन जो है ना ये सूख गया, थोड़ा थोड़ा सा बीच में ठीक भी है, और ये रोटी बड़ी भी सही वाला जो है ना बच्चों को अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा, और बाकी बड़े वाले खरगोशों को डाल देते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं, बाकी इतना सा निकाल लेते हैं, वो बच्चों को डाल देंगे, और थोड़ी देर बाद लूसन मिल जाएगा तो इनको दोबारा से डाल देंगे सारों को, अभी इतना सही डाल देते हैं। ये उधर बच्चों में डाल के आता हूँ, ये देखिए फिर यहाँ पे आ गए खरगोश, ये देखिए कैसे तैयार बैठे हैं, बाहर निकल आते हैं ना तो पकड़े नहीं जाते। ये दरवाज़ा भी सही तरह हमें बंद करना पड़ता, नहीं तो ये यहाँ से निकल के आ जाते हैं बाहर। ईंटें सही तरह मैं लगा देता हूँ ताकि बाहर ना निकले। मुर्गियों को रोटियां डाल देते हैं, ये रोटी जो है ना इनकी मेरे से अभी गिर गई थी, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये खुद ही खा लेंगे, वो थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ये भी खुद ही खा लेंगे, और दाना भी इनका थोड़ा सा निकाल के ना मैं डाल देता हूँ।
दोनों बॉल भर देते पानी में, दाना भी इनको भी डाल दो, इसमें जो दाना डाल दे दो, ज़्यादा डर गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डर गया। अभी जो मैं नीचे जाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे प्राइज रखा हुआ मैंने आप लोगों के लिए। अभी मैं नीचे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अभी आपको मैंने एक चीज़ इसमें दिखाई नहीं है, एक चीज़ मिस है, वो आपको मैं नीचे आके दिखाऊंगा, और इसके साथ में एक सरप्राइज भी है, वो भी मैं आपको नीचे आके दिखाऊंगा। तो ये थी हमारी डव जिन्होंने हम बच्चे अंडे दे दिए, सॉरी। अभी मैं इनको हटाता हूँ और फिर मैं आपको जो है ना इनके अंडे दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको ना दिखाता हूँ, ये अंदर से मैंने हाथ डाला, पता नहीं ये फीमेल है या ये वाली है, अभी पता नहीं मुझे कौन सी फीमेल है। अंडे में आपको इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, फिर मैं इसके आपको अंडे सही तरह दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, फिर मैं आपको इसके अंडे दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसने दो अंडे दिए हुए हैं, ये देखें ये दो अंडे इसने दिए हैं। कभी वो बैठ जाता है तो कभी ये बैठ जाती है, एक ये बैठी हुई है, देखिए दोनों ने अंडे ना अच्छी तरह। अभी ये मैं चेक नहीं किए अंडे, वैसे चार पाँच दिन हो गए इनको अंडे दिए हुए, तो अंडे जो है ना मैं इंशाल्लाह दो दिन बाद जो है ना मैं चेक करूँगा अंडे सही हैं या ज़ाया हुए हैं। अभी मैंने अंडे खोल के देखे नहीं है इनके, तो अभी जो है ना इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कहीं अंडे को ऊपर से हट ना जाए। सारा इन्होंने दाना नीचे फेंका हुआ है, तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।